हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम दिखाने वाले अपने साउंड सिस्टम को। कुछ इस प्रकार से साउंड सिस्टम यहाँ पे लगा रखा है भाई, टेम्प्रोरी बोल सकते हो एक तरफ से, मतलब काम खत्म भाई, उठा के लेके चलो अपना। ये कोई घर या कहीं पे नहीं है, देख सकते हो पूरे खुले खुले मैदान है। और यहाँ पे लगाएंगे आज, रमजान का कुछ प्रोग्राम है। हम मेरे को नहीं पता कि क्या होने वाला भाई, तो हर साल मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से साउंड सिस्टम में हमने दो बॉक्स यूज़ किया, देख सकते हो ये वाली बॉक्स, दो ठो यूज़ किया भाई। और हमारी एम्पलीफायर देख सकते हो। और भाई कनेक्शन इसका देखो, कनेक्शन मैंने कैसे किया है। ये मिक्सर को, ये मिक्सर से मैंने कनेक्ट किया है, देख सकते हो। और कुछ इस प्रकार से भाई, यहाँ से आपको लेफ्ट या राइट से लेना है और कोई भी एक चैनल में दे देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक चैनल में दे देना है। मैंने इसमें दे दिया, इसमें भी चलता है, तो आप किसी में दे सकते हो। तो ये दोनों कनेक्शन कर लिए हैं। ये माइक चल रहा है भाई, इसमें काफ़ी बढ़िया इको बनता है, इसमें भी बनता है लेकिन इसमें काफ़ी बढ़िया रहता है, इसके कारण उसमें दे दिए हैं। और ये हमारी बिजली कंट्रोल करने के लिए, अभी जनरेटर आया नहीं है, जनरेटर में थोड़ा इशू था इसलिए दूसरा जनरेटर मतलब लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जनरेटर अभी फ़िलहाल नहीं लाया, सीधे सीधी बात, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से नीचे 500 वाट की एम्पलीफायर भाई ये वाली, और ये 250 वाट की, और ड्राइवर यूनिट लगा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे ड्राइवर यूनिट लगा हुआ है, जिसे आप हॉर्न भी बोलते हो। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ गाछ पे, और चार ठो हमने ड्राइवर यूनिट लगाया है। और माइक देख सकते हो, माइक मैंने कौन सा यूज़ किया भाई, देखो माइक ये है बिट्टा का 58A, काफ़ी बढ़िया माइक है, थोड़ा मतलब चीप में आ जाता है लेकिन बढ़िया है भाई। और ये स्टैंड वाला माइक है, माइक वाला स्टैंड है, देख सकते हो, जिसमें हमने माइक अटैच करना है और लगाना है कुछ इस प्रकार से। और मैंने यहाँ पे देखो दो गो जो मिक्सर यूज़ किया का कारण है, कारण ये है कि भाई यहाँ पे माइक और भी हो सकता है, तो 5 माइक हमको लगता है ज़्यादा चलेगा तो फिर लगाना पड़ेगा भाई। और मैं सोचा कि चलो वीडियो बना के दिखा दिया जाए पहले, फिर बाद में तो मैं बना नहीं पाऊँगा। और गाइज, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो शेयर करना, और वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हमको अभी यहाँ पे दो ठो जनरेटर लोड करना पड़ा इमरजेंसी में, और कारण ये है गाइज कि जो उसका ऑयल वाला पंप होता ना, वो जाम हो चुका था जो हमारे जनरेटर है उसका, तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ऐसे भी कोई इशू नहीं था। यहीं पे पास ही दुकान है मेरा, मतलब गोदाम है, तो जनरेटर को मैंने तुरंत लोड कर दिया, इसीलिए मैंने दो जनरेटर को लोड किया हूँ। और अभी लगन स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होगा उससे पहले सारा जनरेटर को चेक किया जाएगा और सर्विसिंग किया जाएगा।